हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ भाग्यशाली सपनों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से ही सपने देखना शुरू कर देता है और यह सिलसिला मरते दम तक चलता रहता है। इनमें से बहुत से सपने तो ऐसे होते हैं जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होता, परंतु स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे सपने भी होते हैं जो हमें भविष्य से जुड़ी बातों के बारे में संकेत देते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही सपनों के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोगों को ही आते हैं और इनका प्रभाव भी हमारे जीवन पर बहुत शुभ पड़ता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर कोई इंसान सपने में पहाड़ से पानी का झरना बहता हुआ देखे और खुद को उसी झरने से पानी पीता हुआ देख ले तो यह सपना जो होता है बहुत शुभ संकेत देने वाला होता है और यह एक ऐसा सपना है जिसके बारे में आपने बहुत कम ही सुना होगा या फिर सुना ही नहीं होगा, क्योंकि यह सपना लाखों में से किसी एक व्यक्ति को आता है। इस सपने का अर्थ होता है कि आपके जीवन से सारे दुखों का अंत होने वाला है और अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। बहता हुआ शुद्ध पानी सपने में देखना मतलब धन का आगमन होना। यह संकेत बताता है कि आपको या तो कोई अच्छी जॉब मिलने वाली है या जॉब में प्रमोशन होने वाली है या फिर अचानक कहीं से धन लाभ होने वाला है, और यह सपना बिजनेस में होने वाली तरक्की को भी दर्शाता है। ऐसे ही एक और सपना है जिसमें अगर कोई इंसान अपने सपने में खुद को अपने माता पिता या अपने किसी बड़े बुजुर्ग जैसे नाना नानी या दादा दादी से आशीर्वाद लेता हुआ देख ले तो यह सपना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस सपने का अर्थ होता है कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान बढ़ने वाला है और साथ ही आपको काम में भी तरक्की मिलने वाली है। इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरह के सपने देखते हैं, सपने में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। कुछ सपने उनमें से सच हो जाते हैं, कुछ सपने शुभ फल देते हैं और कुछ सपने हमें बुरा फल देते हैं। अगर आपको सपने में गुरुद्वारा दिखाई दे तो यह नॉलेज यानी कि ज्ञान में वृद्धि को दर्शाता है, और अगर सपने में मंदिर दिखाई दे तो इसका मीनिंग यह होता है कि आपके रुके हुए काम जो हैं वो पूरे होने वाले हैं। परंतु अगर सपने में लोहा दिखता है तो अचानक कोई विपत्ति आप पर आ सकती है, यह कुछ इस तरह का संकेत रहता है। अगर आपको सपने में लाल रंग दिखाई देता है तो यह संकेत देता है कि आपकी कोई पुरानी बीमारी खत्म होने वाली है, जबकि नीला रंग सपने में दिखाई देना दर्शाता है कि कोर्ट कचहरी के मामले में आपकी जीत होनी संभावित है। सपने में सोना यानी कि गोल्ड का दिखना दर्शाता है कि आपके धन में वृद्धि होने वाली है। सपने में आकाश दिखाई देना पुत्र लाभ को दर्शाता है, और अगर हवाई जहाज का दिखाई दे आपको सपने में तो यह दर्शाता है कि आप जल्दी ही किसी लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं। और सपने में घोड़ा दिखाई दे तो यह भी बहुत शुभ संकेत होता है, और कहा जाता है कि अगर घोड़ा दिखाई दे तो आपकी जो सभी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी ही दूर होने वाली हैं। लेकिन सपने में बार बार बिल्लियों का दिखाई देना अच्छा नहीं माना जाता, यह एक इस तरह का संकेत रहता है कि घर में आपके चोरी हो सकती है। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ सपने में बार बार दिखाई दे रही है तो यह संकेत और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह कुछ इन्फॉर्मेशन थी सपनों के द्वारा मिलने वाले संकेतों के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।